हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह किचन। दोस्तों, प्याज, जी हाँ प्याज हमारे खाने के अंदर एक पार्ट बन चुका है। और कोई सैलेड में यूज़ करता है, सब्जियों में ऑलमोस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको प्याज का एक तरीका बताऊँगा, उसे हम राजस्थान के अंदर, जी हाँ राजस्थान, दोस्तों राजस्थान का हूँ तो राजस्थानी परम्परा तो रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि सब दोस्तों के अंदर, भाइयों के अंदर अपनी परंपराएं जरूर रहें। हमारे राजस्थान के अंदर उसे बोला जाता है धुनी वाला प्याज, यानी कि स्मोकी ऑनियन। तो फ्रेंड्स, झटपट रेसिपी है, 2 मिनट की रेसिपी है, तुरंत बनेगी और इतना अच्छा फ्लेवर है, मेरे कहने पे एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्मोकी ऑनियन धुनी वाले प्याज। फ्रेंड्स, स्मोकी ऑनियन बनाने के लिए हमें 2 प्याज लिए मैंने, एक छोटा कोयले का टुकड़ा, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले हम प्याज को स्लाइस में काट लेंगे। काफी फ्लेवर अच्छा आएगा, आप देखिएगा, बिल्कुल नए पैटर्न की चीज है, आपको काफी पसंद आएगी, ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों। इसको आप खाने के साथ, सैंडविच के साथ और किसी भी रोस्टेड चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्याज काट लिए हैं और ये हम एक बॉल के अंदर इसको निकाल के, प्याज को हमें धोना है, तो इसका थोड़ा सा कड़वापन है वो हमें इसका निकालना है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है और इस तरह से हमें इस प्याज को खोलना है। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से खोल सकते हैं या आप इसको थोड़ा सा मसल के इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे प्याज पूरे अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, हमें इनको अच्छी तरह से अलग कर लेना है। इसमें थोड़ा सा जो खारापन है, कड़वापन है, वो हल्का सा निकालना है हमें इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्याज हमने अच्छी तरह मैश करके इनको अलग अलग खोल लिया है, बस इसका पानी हमें निकालना है। तो मैं दूसरे बॉल के अंदर इसका पानी पूरा जर के अंदर, चलनी में से आप छान लें और इस तरह से इसको पूरा बिल्कुल ड्राई कर लें आप। ये देखिए, पूरा प्याज भी अपने खुल गए हैं और इसको अच्छी तरह ड्राई कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा प्याज हो गया है, इसमें हमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है। आप लाल मिर्च अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप ना भी डालिए, नमक आप डाल लीजिए अपने हिसाब से, स्वाद अनुसार जो नमक हम डालते हैं। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, और फिर लाल मिर्च के अंदर जो स्मोक का फ्लेवर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, कोयले को हम गैस के ऊपर रख के इसको हम गरम करके जला लेंगे कोयले को, जब तक कि कोयला हमारा गरम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कोयला बिल्कुल रेडी है, इसको हमने, ये देखिए आप, बिल्कुल लाल हो चुका है ये। और कोयले की साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप 2 ऑनियन ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कोयला छोटा हो बड़ा हो, बस इसको लाल करना है पूरा। तो ये देखिए, दोनों तरफ से लाल हो चुका है, मैं आपको फूंक मार के दिखा देता हूँ। बस इसको हमें इस पर रखना है, रखने के बाद जो हमारा घी था, घी में थोड़ा टुकड़ा लेना है और वो हमें इस पे डाल देना है। ये देखिए आप, स्मोक आना चालू हो गया और हमें इसके अंदर इसको ढक लगा देना है, बिल्कुल इसको ढक करके बंद कर देना है। और ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर पूरा स्मोक धुआं है जो बिल्कुल आ रहा है। तो बस इसके अंदर रखने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा कोई वजनदार चीज़ रख दीजिए। मेरे पास ये मेरा एक घर का ही चीनी का डब्बा है, तो मैं रख देता हूँ। इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्मोकी ऑनियन हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, धुआं अभी भी निकल रहा है और बिल्कुल रेडी है। इसका जो फ्लेवर है, जो आप खाएंगे, जैसे हम लोग तंदूरी चिकन खाते हैं या तंदूरी आइटम कुछ खाते हैं, उस तरह का स्मोकी बिल्कुल अलग हटके आपको आएगा।
एक बार दोस्तों मेरे कहने पे इसे ट्राई जरूर करिएगा, और आप इसको सैंडविच के साथ, सब्जी रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। आपको मतलब अगर सैंडविच के अंदर आप इसको डाल देंगे तो मेरा दावा है कि इसके फ्लेवर का जो टेस्ट है वो आपको आपका सैंडविच का फ्लेवर बिल्कुल इतना लाजवाब कर देगा, आपको मजा आएगा। तो दोस्तों ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज ये जरूर करिएगा। नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ। वेलकम मिस्टर सिंह किचन। धन्यवाद दोस्तों।